ये लोग इनसे मछलियाँ पकड़ते हैं ना, ये केंचुए इनको बोलने कोई नाम है इनका। वो बैठ गया पानी में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? आप देख रहे हैं शेजी व्लॉग्स। आज का सीन कुछ ऐसा है कि आज हम लोग जा रहे हैं डेविल पॉइंट। तो डेविल पॉइंट मतलब सीबीओ की तरफ ही एक जगह है, पॉइंट है जहाँ से मतलब डायरेक्ट समंदर आता है, तो हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। तो अभी समीर और ताहा तो ये दोनों आ गए, बस हम लोग बस अभी निकल रहे हैं, फिर वहीं पर ही जाके रास्ते में थोड़ा जो भी चीज़ें आएंगी आपको दिखाएंगे, फिर उसके बाद वहीं पर ही जाके मिलते हैं। तो अभी हम लोग ना पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने के लिए आए। अब डलवा रहे हैं समीर साहब। डलवाओ भाई, कितने का डलवा रहे हो भाई? तो अभी पैसे जा रहे हैं पेट्रोल, 300 रुपये का डलवा रहे हैं। सीबीओ ही जाना है, हो जाएगा 300 रुपये में काम हमारा। 300 का वापसी में डलवा लेंगे। चलो 300 का वापसी में डलवा लेंगे, समीर भाई डलवाएंगे, टेंशन नहीं है, पैसा बहुत है इनके पास। हैं, बहुत पैसा है ना तुम्हारे पास? जा रहे तो 300 रुपये इतनी जल्दी ख़त्म हो रहे हैं। वो भी गया भाई 300 का पेट्रोल, पहले 300 में इतना आता था, अब तो 1 लीटर आते हैं 300 रुपये में। यार बहुत महंगाई हो गई है। डेविल पॉइंट के लिए ना आए थे, बस पहुंचने वाले, तो यहाँ पे ना ट्रैक पे ना लोग आए हैं ड्रिफ्टें मार रहे हैं, तो हम लोग ये देखने के लिए रुक गए। तो चलो आपको भी थोड़ा बहुत दिखाते हैं। ओ देखे ये सारे भाई फुल चश्मों में आए हुए। जो गाड़ी की ना ड्रिफ्ट वगैरह हो रही थी ना, तो वो गाड़ियाँ तो चलेंगे ड्रिफ्ट वगैरह करके, तो बस हम लोग भी डेविल पॉइंट ही जा रहे हैं। तो यहाँ से 5 मिनट का रास्ता डेविल पॉइंट का, हम कब से निकले हुए हैं। जो मेन जो सीबीओ जो खिलाता है ना, उससे तो ये बहुत ज़्यादा आगे जाकर आता है। तो अभी बस हम लोग ये पहुँचने वाले, 5 मिनट का रास्ता रह गया, फिर वहीं से जाके आपको दिखाते हैं कि डेविल पॉइंट है कौन सी जगह है क्या चीज़। भाई तो मैं आपको जिस डेविल पॉइंट का बोल रहा था ना, पहुँच गए, और अब देख भी ना इसको डेविल पॉइंट क्यों बोलते हैं। यहाँ पर सारे भाई पत्थर हैं और यहाँ से डायरेक्ट पानी, और ताफुल भड़म में आगे जाके खड़ा हुआ, अगर ये गिरा ना इसको अपनी नानी दादी सब याद आ जाएंगी एक साथ ही। अब थोड़ा सा आगे जाके दिखाते हैं, डर तो लग रहा है, पत्थरों पे तो चढ़ के जाना पड़ेगा यहाँ से। आगे तो जाने का रास्ता ही नहीं, ज़्यादा आगे नहीं जा भाई, गिर जाएगा। तो पानी में जाओ, डुबकी मार लो तुम। अभी तो हम लोग बिल्कुल आगे की तरफ आके हम दोनों बैठ गए, मैं और ताहा। यहाँ पर हम बैठे हुए और नीचे पानी, और इधर अगर केकड़े दिखते हैं ना, मैं केकड़े भी आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे सारी जितनी भी ये जो किश्तियाँ वगैरह ना, सब लोग यहाँ पे ना फिशिंग करने के लिए आए हैं, सारे शिकार पे आए हैं। बस यहाँ से बिल्कुल ही भाई बहुत अच्छी खूबसूरत बहुत प्यारी जगह है यहाँ पे। नाम भी इसका डेविल पॉइंट, इसी वजह से डायरेक्ट पानी है, अगर आप गए तो फिर गए, तो इसलिए एहतियात से बैठना पड़ता है। हम भी बहुत एहतियात से बैठे हुए पूरा। हाँ आप है ना, कुछ बंदे ना फिशिंग भी कर रहे हैं, तो हम लोग भी उनके पास चल के देखते हैं उन्होंने कुछ पकड़ा है या नहीं पकड़ा। वो सामने से बैठे हुए, हम भी पत्थरों के ऊपर से चल चल के यार। ओए ओए बचत हो गई यार। यहाँ पे एक तो ये है ना कि जगह इतनी खूबसूरत है, लेकिन लोग गंदगी बहुत करते हैं भाई, नहीं करा करो यार गंदगी। यहाँ पे इन्होंने मछली पकड़ने के लिए कीड़े ला कर रखे हुए, मछली पकड़ने के लिए कीड़े, और यहाँ पे सारे यहाँ पे लोग मछलियाँ पकड़ रहे हैं। इनसे पूछते हैं अभी कुछ पकड़ा है नहीं पकड़ा। अभी आप लोगों ने कुछ पकड़ा है अभी तक? नहीं लगे अभी तो आगे बैठे हैं। अच्छा अभी आए हैं? जी जी जी। चलो अभी अम्मी इनके साथ यहीं पर ही बैठते हैं, देखते हैं अगर कोई चीज़ इनको मिलती है, मछली वछली आती है, फिर दिखाते हैं आपको। ये लोग इनसे मछलियाँ पकड़ते हैं ना, ये केंचुए इनको बोलने कोई नाम है इनका। अभी ये लोग कांटों में अटका के इससे पकड़ेंगे, तरह करके ये लोग जो केंचुए बोल लेते हैं वो इसमें कांटे में लगाते हैं।
अब ये फेंकेंगे फिर उसके बाद आएगी मछली। चले भाई अंकल अभी फेंक रहे, ये गया आगे। अब देखते हैं, हम भी वेट करते हैं अंकल के साथ साथ, आती है नहीं आती। अभी तो डाला हुआ तो है, ये जा रहा है। अभी अभी हम लोग ना बैठे हुए थे ना, अंकल फिश पकड़ रहे थे, हम उनका वेट कर रहे थे। तो यार यहाँ पे अभी देखें समंदर के अंदर लोगों ने कितना कचरा रखा हुआ है। एक शॉपर ये जा रही है, और भी यहाँ पे जगह जगह पे कचरे हैं। यहाँ पे पूछे पूरा सारे जो नेचर है ना, पूरे नेचर को गंदा करा है। बस लोगों की ये गंदी आदत है, हम पाकिस्तानी में लोगों के यार बहुत दुखी हैं। पाकिस्तानी सारे अब क्या करें, लोग जाएँ आए अच्छी जगह, यहाँ पे आकर गंदगी तो नहीं करें ना। अब बस कौन समझाए लोगों को, हम लोग कोशिश कर सकते हैं भाई, जो जो आए यहाँ पे आकर गंदगी नहीं करें। हमने से यॉट जा रही थी, तो बार बार पीछे से बोले ना यॉट जा रही है। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ भाई, इसकी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ मैं। वो आगे जा रही है, ये हो गई आपकी ख्वाहिश पूरी, दिखा दी मैंने यॉट। ये यॉट बड़ी अच्छी लगी मुझे भाई। इनको इस तरह की चीज़ हैवी बाइक यॉट वगैरह इनको बहुत पसंद है भाई, ये पागल इन चीज़ों के पीछे। बस बोलते हैं लेगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहते हैं इन फ्यूचर ये भी हैवी बाइक तो लेगा। तो हम लोग यहाँ पे कब से खड़े हैं अंकल की, तो अभी तक कोई मछली नहीं लगी। तो अंकल अब खड़े हैं जगह चेंज, यहाँ से अपने सारे की चीज़ें उठा के अब वो जा रहे हैं आगे की तरफ। अब देखते हैं अंकल की फ़िश कोई लगती है हाथ तो ठीक है, बेचारे कब से कोशिश तो लगे हैं ढूंढने में, अगर नहीं लगती तो फिर हम लोग भी चले जाएंगे। हम लोग भी वेट कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं करेंगे, उसके बाद हम निकल जाएंगे। 2000 years later लोगों ने तो बहुत वेट करा अंकल के, तो अभी कोई मछली हाथ नहीं लगी। तो बस हम लोग भी बस निकलते हैं। हम लोगों ने सोचा है कि जो मेन जो सी व्यू है ना, जहाँ पे मिट्टी होती है, घोड़े वगैरह होते हैं, तो हम लोग वहाँ पे चलते हैं। तो अभी बस हम लोग वहीं जा रहे हैं, फिर वहाँ पे जाके दिखाते हैं। अगर कोशिश तो ये उस 3 Tarzan वाले बंदे को ढूंढना है, अगर वो मिल गया तो फिर उसको दिखाएंगे, क्योंकि जितने भी यूट्यूबर्स गए तकरीबन सबको मिलता है, वो घूम रहा होता है वहाँ पे, तो अगर मिल जाता है ना तो फिर वो दिखाते हैं उस बंदे को आपको। अभी हम लोग मेन सीवो पर पहुंच गए। अब मिट्टी ऐसी थी हमसे चला नहीं जा रहा था, सब लोगों ने अपनी अपनी चप्पलें हाथ में ले ली वहाँ पे समीर ले। अब ये बर्गर बॉय ना, बर्गर बॉय तो मिट्टी में नहीं चल सकते, तो इन्होंने चप्पल पहन के फुल छचके में जैकेट, इतनी गर्मी में जैकेट पहन के आए हैं अपनी पिक्चर्स खिंचवाने के लिए। सामने ही बिल्कुल पानी है, अब वहीं पर ही जाते हैं। थोड़ा सा यार गर्मी हो रही है, थोड़े पाँव वाँव पानी में डालते हैं, ठंडे करते हैं। और आगे अभी तो बहुत आगे पैदल चलना है। चल लोगे समी, थकोगे तो नहीं? बिल्कुल सर, हमको वजन कम करना है। ओ अच्छा, ये मोटे हो रहे हैं, इनको वजन कम करना है। हम तो पहले ही फिट इंसान है भाई। हाँ, वो कुछ एक्स्ट्रा ही फिट है, इनको तो हवा चले, इनको तो पकड़ना पड़ता है हमें, कि पता चले हवा चलती है तो ये हिलने लग जाते पूरे। आपको वहाँ पे बता रहा था ना कचरे का, अब ये सीवियो का हाल देखना, इतने पूरे वहाँ पे कचरे का, पूरे आगे पीछे जगह जगह पे कचरे का ढेर पड़ा हुआ है, इतना कचरा है यार। बस पाकिस्तानियों का कोई हाल नहीं है भाई। भाई हम लोग पानी की तरफ पहुंच गए। अब इन दोनों की बैग एक दूसरे को देने पे लड़ाई हो रही है। ताब बोले मैं नहीं पकड़ूंगा, समीर बोले मैं नहीं। अब एंड में आगे समीर ने कुर्बानी दी, बैग पकड़ लिया। मैंने ये तो कुछ बेचारा कब से बैग पहन के घूम रहा है। अब इसको शौक था लेके आने का, फोटो इसको खिंचवानी थी, अब हम क्या करें, इसकी गलती है ना भाई। तो भाई पानी आ गया, ये अभी तो थोड़ा बहुत आया भाई, पानी तो आ गया, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हमारे कपड़े पूरे खराब नहीं हो जाए, हल्का हल्का सा पानी है। चप्पलें पहने रहो ना, वैसी चप्पलें गंदी हो गई, ये पहन के रख लेते हैं भाई, हमने तो पहनी हुई है अपनी। ये तो बर्गर बॉय चप्पल नहीं उतारेंगे। ये आ गया भाई, आ गया। ये तो पानी भी काला है यहाँ का, सी पीओ का। अल्लाह भाई, बंदे तो कहाँ कहाँ पहुँचे हुए। वो आगे बंदे के सन नजर आ रहे हैं, और ये किनारा है इतनी दूर भाई, लोगों को ढंग नहीं लगता। हम लोग तो भाई नहीं जा सकते इतना आगे, बचा लो अपनी चप्पल को भाई। यहाँ से अलग ही वाइब आ रही यार, मज़ा। ये देखें इनके शिशके अलग हैं। ये बंदा तो भाई फुल किट शिट में, जहाँ जाते हैं किट शिट में भाई, तैयार व्यार रुके। पिताहा भाई तो पिताहा भाई है ना हमारे यार। यार ये इसने और समीर ने तो अपनी अपनी ने पैंट्स को ऊपर कर लिया था, मैं करना भूल गया, क्योंकि मेरा पजामा था, मेरा पूरा पजामा यहाँ से गीला हो गया यार, बहुत गलत हुआ। अभी और पानी आ रहा है, पीछे से ले आता हूँ वरना और ज़्यादा गीला हो जाऊँगा। लहरें बड़ी बड़ी आ रही हैं यहाँ पे भाई, पीछे आ जा भाई। भाई मैं समीर तो ना कहा के सामान लेके पकड़े हुए, अब ये नहाने चले गया, वो भी सी वी ओ में, ऑक्सीजन वगैरह हो तो समझ गया, सी वी ओ में ये जा रहा आगे। कहा जैकेट वैकेट उतार ली,
अपनी पैंट में ही चले गया पागल। ये जाए जा रहा है भाई, रुक जा। वो बैठ गया पानी में पागल। यार बाइक में ये मेरे पीछे बैठेगा, मैं कैसे बिठाऊंगा, मैं तो और गीला हो जाऊंगा इसके चक्कर में। ये तो पूरा पानी के अंदर लेटा हुआ है पागल भाई। ये पागल हो गया, था इतना आगे जाके खड़े हो गया है, उसको समझ में नहीं आ रही है, हम इसका वेट कर रहे हैं। समी मैं तो सोच रहा हूँ उसको हम लोग छोड़ के चले आए, चले जाते हैं। उसकी जैकेट भी हमारे पास है, नंगा घर पे आएगा, नंगा ही घर पे आएगा, और पैंट भी गीली है और जैकेट हमारे पास है, शायद ये पहन कर नहीं आया, तो उसको छोड़ कर चले आते हैं। ये आगे फुल भाई, ये बैठ गया पानी में वापस, तो पूरा ही गीला हो गया, अंदर चले गया भाई, ये तो पागल हो गया है यार। A few moments later, मैं और समीर कर रहे हैं ये राइड इस पे, गाड़ी जो इसका नाम मुझे नहीं पता। ए समीर भाई फुल मजा आ रहा है भाई। समीर साहब ड्राइविंग कर रहे हैं, बड़ी अच्छी कर रहे हैं, भगाओ भगाओ आराम से। चलो भाई, अब साजिल भाई चला रहे और मैं इनका भाई कहा भाई के साथ बैठा। हम लोग सीवियो पर आए, आकर हम लोगों ने थोड़ा पानी में भी गए, और जो बाइक थी एक तरह से क्या थी उसकी राइड भी हम लोगों ने कर ली। हाँ फोर व्हीलर थी, तो बस अभी हम लोग भी अब जा रहे हैं, अब भूख लग रही है, नाश्ता करने चल रहे। चलो बस अब लोग अभी हम नाश्ता करने के लिए जाते हैं। मैंने तो पानी में भी एंजॉय किया, मजे लिए। ये तो पानी में भी आया हूँ तो थोड़े मजे ही लेके जाओ यार। ये तो पानी में भी पागल हो गया था। हम लोग नाश्ता करने के लिए आ गए, बस अभी नाश्ते का ऑर्डर तो दे दिया, अब आ रहे हैं, वेट है, भूख लग रही है, और पूरी रात के हम लोग जागे हुए हैं, सुबह के 10 बज रहे हैं तकरीबन, फुल नींद आ रही है, बस घर पे आते ही सोएंगे, फिर तो लग रहा है आज शाम में उठेंगे, गधे घोड़े बेच के सब सोएंगे, फिर शाम में उठेंगे हम तो यार। ये भी भाई पहले बर्गर बन के आए थे, इनकी हालत बुरी हो गई, इनकी पैंट गीली, फुल हालत ख़राब है इनकी, बाल बिखरे हुए। बस हम नाश्ता करके घर जाते हैं, फिर उसके बाद जाकर सोते हैं हम लोग। बहुत मुझे भी बहुत नींद आ रही है, अभी नाश्ता आ गया है, बस ये रहा नाश्ता, नाश्ता करते हैं फिर निकलते हैं घर के लिए भाई। भाई अभी तो हम लोग सीवीओ से नाश्ता वगैरह करके सब चीज़ों से हम लोग आ गए फारिग होके, अब समीर को उसके घर के पास हम लोगों ने छोड़ दिया, बस ये घर जा रहा है, ताह का घर भी यहीं पर ही, अब ताह भी अपने घर जाएगा, मैं भी अपना घर जाता हूँ। आज की वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं, अगर आपको मेरी वाली वीडियो पसंद आएगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।